नागरिक अस्पताल का ब्लड बैंक आज से दोबारा हुआ शुरू। करीब 10 माह से ब्लड बैंक था बंद, इस कारण डिलीवरी और गंभीर मरीजों को बाहर से लाना पड़ रहा था ब्लड। अब दोबारा अस्पताल में ही यह मिलेगी सुविधा। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने शिरकत कर रक्तदान करने वालों को बेंच लगाकर बढ़ाया उत्साह। ब्लड बैंक का लाइसेंस पिछले 10 साल दिसंबर में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के नाम करवा दिया था। इसके बाद नागरिक अस्पताल में ब्लड बैंक बंद हो गया था। 1.5 माह पहले ब्लड बैंक का लाइसेंस जारी हो गया, लेकिन ब्लड बैंक शुरू नहीं हो पा रहा था। नागरिक अस्पताल में ब्लड बैंक ना होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। बाहर से ब्लड 2400 रुपए प्रति यूनिट खरीदना पड़ रहा था और वहाँ पर बदलने में खून भी देना पड़ता था। प्राइवेट ब्लड बैंक महंगे दाम पर ब्लड बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन अब अस्पताल में यह सुविधा मिलने पर मरीजों को फायदा होगा। लेकिन अब यहां पर सुविधा शुरू होने पर मरीजों को 1150 रुपए में प्रति यूनिट खून मिल जाएगा। सिविल अस्पताल में रोजाना 10 से 15 मरीजों को खून की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आम शहर के लोगों को भी फायदा होगा। जो मरीज प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, उन्हें वह भी सरकारी ब्लड बैंक से सस्ते रेट में खून मिल जाएगा। सेवाएं शुरू हुई हैं। जीएच करनाल में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है। जीएच करनाल में पहले से ही जो ब्लड बैंक है, ये रीजनल ब्लड बैंक है। रीजनल ब्लड बैंक में होल ब्लड के साथ साथ कंपोनेंट सेपरेटर सुविधा भी उपलब्ध होती है, और हम हर टाइप के पेशेंट को प्लाज्मा या प्लेटलेट जो भी हो, वो भी हम यहाँ से रीजनल ब्लड बैंक से इशू कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कल्पना चावला का यहाँ से जब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज शिफ्ट हुआ, उस टाइम पे क्योंकि रीजनल ब्लड बैंक शिफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए उनका ब्लड बैंक अलग से खुलने के बाद हमने इसका लाइसेंस रिन्यू शुरू करा के आज मैडम के कार्यक्रमों द्वारा इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, और 30 या 1 दिसंबर के आसपास हम एक मेगा कैंप तब ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पे जितनी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है, ताकि हम ब्लड को उतना स्टोर करके कंपोनेंट सेपरेट करके देने 2-3 डिस्ट्रिक्ट नियर बाई डिस्ट्रिक्टों में भी यदि हमारे को किसी कंपोनेंट को देना पड़े तो हम उस स्थिति में हो जाएंगे। तो वो तब तक हम स्टोरेज कैपेसिटी पूरी और बढ़ा रहे हैं। हमारी कुछ मशीनरी इक्विपमेंट कल्पना चावला से भी आनी है अभी, और जो उस टाइम वो ले गए थे अब उनकी आ गई है। हमारे पास आते ही हम फुल स्थिति में होंगे कि हम हर कंपोनेंट को यहाँ पे ही उपलब्ध करा सकें, और ये ब्लड बैंक एक बार फिर से ऑनलाइन ब्लड बैंक थ्रू आउट हरियाणा में ऑनलाइन अटैच्ड हो जाएगा। कहीं पर भी कोई रिक्वायरमेंट, हमारी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम किसी दूसरे ब्लड बैंक से भी ऑर्गेनाइज करा लेंगे, और यदि उनकी कोई होगी तो हम भी उनको हेल्प कर सकते हैं। स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसी योजनाएं और कुछ ऐसे निर्णय लिए जिन पे हम गर्व करते हैं कि जैसे हमारे करनाल का ही जीएच देखें तो काफ़ी समय ये बंद भी रहा, पर जब लोगों ने यहाँ की डिमांड रखी तो कल्पना चावला से अलग जीएच को शुरू किया गया, और इसका जो ब्लड बैंक बंद था आज ऑफिशली डॉक्टर अश्विनी जी के उसमें और डॉक्टर पीयूष जी के उसमें सभी ने आज यहाँ शुरू किया। गुरजीत जी यहाँ पर हैंडल करेंगे। जिस तरह से स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छी सेवाएं देना सरकार का भी एक मोटिव रहता है और लोगों का भी एक अधिकार है कि अच्छी सेवाएं मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये जीएच बहुत अच्छी सेवाएं हमारे करनाल शहर को दे रहा है, जिसमें कि जो आम पेशेंट है जो कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में अपनी अच्छी इलाज नहीं करवा सकता, तो एक उम्मीद रहती है कि उसे जो सेवा मिले वो बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से मिले। तो आज यहाँ जी एच में ब्लड बैंक को शुरू किया गया ताकि ब्लड के रिलेटेड यदि कोई समस्या आती है, पहले भी ये जी कल्पना चावला से अरेंज करते थे पर कई बार बहुत दिक्कत आती थी पेशेंट को ब्लड के लिए, पर आज यहाँ ऑफिशियली शुरू हो गया। एक मेगा कैंप भी ये लगाएंगे जिसमें कि बहुत सारे डोनर वॉलेंट्री यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट करेंगे। लोगों को जीवन दान देना, लोगों को अच्छा सेवाएं देना, ये हमारी सरकार का भी हमारे डॉक्टर्स का भी मोटिव है, और आज अच्छा लगा इस तरह की सेवाएं यहाँ सबने मिलकर।